प्रहर के बाद हत्या किए जाने के मामले पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए और ब्रजेश पाल को न्याय दिलाने के लिए पाल संघर्ष समिति ने मोती झील में कैंडेबाज निकालकर स्वर्गीय ब्रजेश को श्रद्धांजलि दी। कैंडेबाज में ब्रजेश पाल के परिजनों सहित सैकड़ों एडवोकेट और आम जनता ने न्याय दिलाने की बात कही। श्रद्धांजलि देने के बाद सभी ने दोषियों को फांसी देने पुलिस के दो तरफा रवैये पर जमकर नारेबाजी की। द लॉयर्स एसोसिएशन कानपुर के उपाध्यक्ष डीएन पाल ने बताया कि हम सब मुख्यमंत्री जी को घटना की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराने और दोषी पुलिस अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर पीड़ित परिवार के भरण पोषण के लिए 1 करोड़ रुपए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। देवनारायण पाल एडवोकेट उपाध्यक्ष लॉयर्स एसोसिएशन। आज हमारी मांग है कि जो ब्रजेश पाल के हत्यारों को सही जांच हो, सही खुले और पुलिस प्रशासन सही कार्रवाई करे। पुलिस के लापरवाही से ये घटना हुई है, सही हत्यारे खोले जाएं और हमारी शासन से मांग है कि कम से कम 1 करोड़ रुपए परिवार को और एक व्यक्ति को नौकरी हमारे परिवार को दी जाए। महोबा जिले में संदिग्ध